एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद एटा के ब्लॉक शीतलपुर में स्थित छितौरी गांव पहुंचा। यह गांव ब्लॉक से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान में गांव के प्रधान प्रेम किशोर हैं। लगभग 3000 की आबादी व 1200 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। सरकार की अनदेखी के कारण गाँव में काफी मूलभूत सुविधाओं की कमी देखने को मिल रही है। वर्तमान समय में गाँव के 20 परिवार राशन कार्ड से वंचित है। साथ ही गाँव में 10 विधवा पेंशन, 25 वृद्धा पेंशन, 3 विकलांग पेंशन लाभार्थी पेंशन से वंचित हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 375 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में 20 हैंडपंप, 30 विद्युत पोल, 12 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान ग्राम प्रधान की देखरेख में गाँव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, चक रोड, पानी निकासी के लिए नाली, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60 आवास एवं 1 लोहिया आवास का भी निर्माण कराया गया है। एपीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में खडंजा, सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम पंचायत छितौनी से हूँ, विकास खंड शीतलपुर पड़ता है, जनपद एटा से हूँ। मैंने अपने गांव में 1 लोहिया आवास दिलवाया है, 6 इंदिरा आवास दिलवाए हैं गरीब लोगों को, 1 इंटरलॉक गली कराई है, तालाब की खुदाई कराई है, चकोड़ों पर मिट्टी कार भी कराया है। और मेरे यहाँ पैसा बहुत कम आता है जिससे गांव का विकास रुका हुआ है। अगर पैसा भरपूर आ जाए तो गांव की गलियां सीसी हो जाएंगी, पानी का भराव जगह जगह रहता है वो निकासी हो जाएगी, वो समस्या दूर हो जाएगी। और पंचायत भवन नहीं है हमारे यहाँ, कोई भी मीटिंग कोई भी अधिकारी गढ़ आते हैं स्कूल में ले जाना पड़ता है उनको। और हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कोई स्वास्थ्य की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ये व्यवस्थाएँ पूरी कर दी जाए तो हमारे गाँव में विकास हो जाएगा, और पैसा पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो हमारे गांव की गलियां भी सीसी हो जाएंगी जिससे गांव का सुंदरीकरण हो जाए। शमशान घाट कोई बना हुआ नहीं है, वैसे ही जला देते हैं, जैसे कोई मृत्यु हो जाती है डेड बॉडी को ले जाके वैसे ही जला देते हैं, कोई समुचित व्यवस्था नहीं है वहाँ। शमशान घाट की भी बनना चाहिए, कब्रिस्तान भी बनना चाहिए, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पैसा ही नहीं आता ऊपर से। सरकार से मांग कर रहा हूँ कि पैसा हमारी पंचायत को दे दिया जाए, उचित पैसा मिल जाए तो हमारे गांव में विकास कार्य हो जाए।